हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज ये बकरीद स्पेशल कलेजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बनाना इतना आसान है और ये रेसिपी जो है इतनी टेस्टी बनती, तो आप इसको बार बार खाना पसंद करते। तो मैं ये ग्रेवी रेसिपी के साथ रोटी भी बना रही हूँ, तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। और मैं ये 500 ग्राम्स कलेजी और फेफसा ले ली, और ये नेक्स्ट जो है 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली मैं, जो फाइनली चॉप करके रख ली। और अब इसमें मैं ये फेफसा और कलेजी ऐड कर दे रही हूँ अच्छा वॉश करने के बाद। और ये 2 टीस्पून चिल्ली पाउडर, और इसके बाद ये 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये 1.5 टीस्पून जो है नमक, और इसके बाद में ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करी। और अब इसके बाद में ये और मैं रिफाइन ऑयल ऐड करने के बाद 2 कप वाटर डाल के इसको कुकर का लिड लगा के पकने रख दे रही हूँ मीडियम फ्लेम में, और 4-5 सीटी हुए तक इसको पकने रख रही हूँ मैं। और 5 सीटी हुए तक मैं रोटी बनाने के वास्ते आटा गूंद ले रही हूँ। और उसके लिए मैं ये 1/2 kg मैदा ली, और इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ जिससे रोटी सॉफ्ट होती। और मैं इसमें 2 पिंच नमक ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद मैं ये आटा गूंद ले रही हूँ। और देखो ये आटा गूंद के रेडी है, और देखो कितना सॉफ्ट है ये। तो मैं इसको 20 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। और अब ये रोटी बनाने के वास्ते मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना ले रही हूँ। और मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल ले रही हूँ रोटी में, और अब इसके छोटे पीसेस कर ले रही हूँ। और ये देखो देखने में कितना सॉफ्ट दिख रहा, तो मैं अब एक एक करके पूरे रोटियाँ बेल ले रही हूँ। और पूरे बेल लेने के बाद मैं इसको अच्छा सेक ले रही हूँ तवे पे। और अब मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑयल अच्छा ग्रीस करने के बाद इसके साइड्स चेंज कर रही हूँ। और देखो ये एक एक करके पूरे रोटी रेडी कर ली मैं। तो देखो रोटी रेडी है, और अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल के कलेजी का सालन चेक करती हूँ। और देखो ये कलेजी ऑलमोस्ट पक गई, लेकिन इसमें थोड़ा पानी है, तो मैं ये पानी जो है ग्रेवी हुए तक इसको लो फ्लेम में पकने रख रही हूँ। और अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ये होममेड गरम मसाला है, और इसको अच्छा मिक्स कर ले रही हूँ। और अब इसमें मैं चॉप करी हुई कोथमीर कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ, और मैं इसको 5 मिनट तक पकने के बाद फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। और देखो ये रेसिपी रेडी है, तो मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। तो देखिए ये हॉट स्पाइसी और टेस्टी बकरे की कलेजी रेसिपी रेडी है। और ये ग्रेवी कलेजी रेसिपी जो है मैं रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।